हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको पता है ये लेड नाइट्रेट है, फार्मूला क्या आता है, PbNO3। इसको हीट किया है, हीट करके आपको पता है कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोएफिशिएंट ऑफ PbO एंड NO इन द इक्वेशन। यहां ये 2 और 4, ये इसके क्या है, कोएफिशिएंट, क्या है, कोएफिशिएंट। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये कोएफिशिएंट क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा होगा। फर्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस ऑफ द टू सब्सटेंस। सेकंड है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन द टू सब्सटेंस, और थर्ड व्हाइट कलर का सॉलिड है, रिएक्शन भी करी थी, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा,
barium sulfate. BASO4. Clear hai? Yes ma'am. Next question chale. Yes. Next hai. Ye reaction dekho. Glucose C6H12O6 combined with oxygen give 6CO2 and 6H2. तो ये बताओ कौन सा एग्जांपल हुआ? दिस प्लेस पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन. एक्सोथर्मिक बोलो. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि हमें पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. जब ग्लूकोज कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हीट रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी काम करती है हीट एनर्जी. और साथ में क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Clear it? Yes, ma'am. Okay. Next question is, it is important to balance a chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statement of the law is incorrect? Question सही पढ़ना भाई. कई बार वो correct की वजह क्या खुशियत है? Incorrect. कि चारों option में से कौन सा गलत है? ठीक है? तो आप इसको कैसे करोगे इस question को? पहले option पढ़ो. टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट. सही है कि एलिमेंट का मास और रिएक्टेंट में उधर भी क्या है? ये बात सही थी. नेक्स्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. वो भी सेम होने चाहिए तभी तो इक्वेशन क्या होगी बैलेंस. सी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड कंपोजिशन चेंज हो सकता है. कंपोजिशन क्या है? चेंज हो सकती है. सही नहीं है. मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय. ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की डेफिनेशन है. कौन सा इनकरेक्ट हुआ? सी. ऑप्शन ऑप्शन आएगा सी. क्लियर? Yep. Based on
ऑप्शन क्या रहेगा, ये कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेपर इज ब्रॉट इन अ गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम वेपर बर्न कैसे करते हैं, Mg plus O2 is MgO। मैग्नीशियम वेपर को चलने के लिए क्या चाहिए? अब चलते हुए मैग्नीशियम वेपर को एक जार के अंदर ले आए जिसके अंदर फिल है कार्बन डाइऑक्साइड, इस बर्निंग मैग्नीशियम वेपर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो आपका भी जो अपना फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही होगा? इट कीप्स ऑन बर्निंग, क्या ये चलता रहेगा? इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, क्या ये बुझ जाएगा? तीसरा, ऑल्दो CO2 एक नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन बट बर्निंग मैग्नीशियम वेपर ये CO2 को ब्रेक कर देगी कार्बन प्लस से ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन हेल्प करेगी बर्निंग। डी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्पॉटर ऑफ कंबशन। आपको ये नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी आंख को बुझाती है, ड्राई आइस होती है। ये क्या करती है? इट गेट एक्सटिंग्विश, आग बुझ जाएगी, मतलब आग को बुझाने में मदद करती है, और ऑक्सीजन आग को जलाने में। तो जलते हुए मैग्नीशियम वेपर को जब आप CO2 के अंदर लेके आओगे वो जलना बंद कर देगा, बुझ जाएगा, क्योंकि वहां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट नो स्पॉट इन बर्निंग, दे स्पॉट इन एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाने में हेल्प करता है। ऑप्शन इसका आएगा सेकंड, बर्निंग वाला तो वैसे ही गलत हो गया, और CO2 इजीली से नहीं टूटेगी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाए, ये भी नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इज स्पॉटर ऑफ कंबशन, ये तो वैसे ही गलत हो गया कि जलने में हेल्प करती करती नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सेकंड, ये तो वन सेकंड ही है, सेकंड, इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, ये आपको बुझा देगा। क्लियर है? पॉलिकन इस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। यदि 20 MCQ को करेक्ट करना इजी बात नहीं है, और जो बच्चे बनाए को फिजिक को पढ़ा नहीं जाता उनके लिए तो बहुत जरूरी है कंसेप्ट को समझना, ये MCQ की पास होने में मदद करते हैं। समझ आ रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा? KI ऐड कर दिया किसमें? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या बनेगा आप रिएक्शन लिखो? KNO3 प्लस AgI2। याद रखना AgI2 सिल्वर आयोडाइड, तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। कैसे होते हैं? येलो। सिल्वर आयोडाइड के कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं? येलो। और येलो और किसी के भी होते हैं, किसके? PbI2। याद रखना PbI2 लेड आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड दोनों के येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। डन। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, इसी बार 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन। रिएक्शन आपकी लेड नाइट्रेट यानी कि XPbNO3 twice, जब इसको हीट किया तो क्या बन गया? PbO plus NO2 plus O2, तो यहाँ Y और यहाँ क्या दे दिया? Z। एग्जामिनर पूछ रहा है X, Y और Z की वैल्यू बनाओ, जिसको भी रिएक्शन आती है वो इसको फटाफट कर दे, पहले इसको बैलेंस करो। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना दिख रहा है? NO3 2, देखो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो? 3। अब ऑक्सीजन काउंट करो, जब आप ऑक्सीजन काउंट कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4, 5, 6, 7। अगर 7 हो पूरी क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है PbNO3 5 2PbO प्लस 4NO2। अब आया ना 4, ये बात नहीं, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या होगी? आप 2 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या रहेगी?
इस बार ये पूछा गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत कुछ पूछना से बच्चे ने। ओके 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से देख के बताओ कि कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट। ये तो देखो बेस है, एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्रिएट एक्वस है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, ये भी ध्यान रखना। प्रेसिपिटेट के लिए ब्रैकेट में सॉलिड होगा नेप्सी, डी है। ये तो डिस्प्लेसमेंट की डिग्री है, कॉमन ने इसको डिस्प्लेसमेंट लिया, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिग्री है, मरकरी कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब ये देखो सॉलिड है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड की साइड में क्या दिख रहा है, एस सॉलिड, यानी कि यहाँ पर क्या बन गए, प्रेसिपिटेट। अब ये तो आपकी प्रेसिपिटेशन भी और डबल डिस्प्लेसमेंट भी, ऑप्शन क्या रहेगा। देखो इसमें हमने ये ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि एक्वस का मतलब है ये ऑलरेडी डिसॉल्व है, ये नीचे सॉलिड नहीं बैठा, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है। दूसरी तो सिल्वर से ज्यादा कौन ही एक्टिव है, कॉपर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। और तीसरी वाली कौन सी है, कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन कौन सा रहा आपका, डी। प्रेसिपिटेशन में बीच में एस होना चाहिए सॉलिड, ठीक है, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट चलें, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो। पढ़ो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। फर्स्ट होगी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड देखो केसीआई ये भी हो जाएगी, थर्ड